जो रिपोर्ट हमारे पास है वो इतनी खतरनाक है कि हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल महफूज नहीं है पाकिस्तान का। कल आपके खबर छपी है आपके अखबारों में भी और आज अमेरिका के भी कुछ न्यूज के अंदर है कि गवादर में आप नेवल बेस दे रहे हैं चाइना को। ये तभी होता है जब अपनी सॉवरेनिटी आप लूज कर देते हैं और पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी लिख कर दे दी है। इट्स नॉट सरप्राइजिंग, पाकिस्तान वाज द मेन लूजर इन द लॉन्ग रन। प्रॉब्लम जो है वो कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि पाकिस्तान का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है $102 बिलियन, उसमें जो सबसे बड़ा है वो चाइना का है $30 बिलियन जी। उसमें 12 बिलियन जो है इस साल वापस करने हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान मौशी तालुकात हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। देखिए, मैं एक चीज समझता हूँ कि पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके स्टेक से यहाँ पे नहीं है, सारे अपने कामों में लगे हुए, सियासत धड़ाधड़ हो रही है, जो असल बात सारी दुनिया देखती है इकोनॉमी को ठीक करना, उस तरफ नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है यहाँ पे वाकई पॉलिटिकल विल की कमी है, जब तक नहीं करेंगे फैसल हमारी मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। और देखिए, दो ही बुनियादी तौर पे इश्यूज है ना, एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो कि बढ़ ही रहा है, साथ दूसरी कुछ शर्तें आई हैं चाइना की तरफ से। उन्होंने कहा कि चाइना का सीपैक का हम अगर दोबारा शुरू करेंगे प्रोजेक्ट तो हम अपनी आर्मी वहां खुद लेकर जाएंगे, आप हमें वहां पे प्रोटेक्शन देने में आप कामयाब नहीं रहे। दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी हलचल है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी डिबेट हो रही है, और वह न्यूज़ है कि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चाइना अपने अंडर लेने वाला है और उसको चाइना अपना नेवल बेस बनाएगा, जिसके लिए पाकिस्तान सरकार राजी होती दिख रही है। और यह न्यूज़ निकली है एक डॉक्यूमेंट के लीक होने से, जिसके बाद पाकिस्तानी, जैसे कि आप जानते हैं, ग्वादर पोर्ट को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का किस्मत बदल देगा, पाकिस्तान की शान है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट के लीक होने से अब यह पता लग रहा है कि पाकिस्तान की शान और ग्वादर पोर्ट चाइना के कब्जे में होने वाला है, जो कि ऑब्वियसली उन पाकिस्तानियों के लिए झटका है जो चाइना की चाल को समझते हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारे पाकिस्तानी यह भी मानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती काफ़ी गहरी है, हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी। ऑफकोर्स उसमें अलग बात है कि इस दोस्ती में चाइना ऊंचा से ऊंचा होता जा रहा है और पाकिस्तान गहरे से गहरे समुद्र में डूबता जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको लगता है कि भले ही चाइना पाकिस्तान का कितना भी शोषण कर ले, पर क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में दुश्मनी है, वहीं पे चाइना और इंडिया एक दूसरे का कंपटीटर हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान चाइना का साथ देगा किसी भी कीमत। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। सर, जैसे कि आपने देखा कि ये वॉकी टॉकी जो है वो भी फटने शुरू हो गए हैं, पहले पेजर जो है उसकी बात हुई थी, इसराइल ने हर तरफ से कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी को जिस तरह इस्तेमाल किया है, आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? आज मैं उस पे उसका जवाब एक है, जब आप इंग्लिश और मैथ ना पढ़ेंगे तो फिर आपके इसी तरह हाथ में हर चीज फटेगी, आपकी अकल भी फटेगी, आपके जिस्म भी फटेंगे, हाथ भी उड़ेंगे, लोग भी मरेंगे, क्योंकि आपसे तालीम से आप बहुत दूर जा चुके। आखिरी दफा आपने पढ़ा था अब्बासियत दौर था बगदाद के अंदर, बगदाद एक बहुत बड़ा एक तालीम का गढ़ था, वहां पे क्रिश्चियन भी होते थे, वहां पे हिंदू भी होते थे, और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि बाबा गुरु नानक भी जाके वहां पे बड़ा अरसा पड़े हैं और आज भी उनके लिए उनके जूते और कुछ चीजें उन्होंने संभाल के रखी। तो लोग सारी दुनिया से आके पढ़ते थे, फिर आपने किताबों की लाइब्रेरियां वहां जला दी, फिर आपने हर चीज को धर्म के साथ जोड़ के, मजहब के साथ जोड़ के, नफरतों के पुल बनाए आपने, आपने अर्थशास्त्र को सिर्फ और सिर्फ उसको हिंदू नाम देकर पढ़ने से इनकार कर दिया। टैक्सला के लोगों को 2200 के करीब टीचर्स मौजूद थे जब अलेक्जेंडर वहां आया, लेकिन आपने उनके ऊपर स्टैंपें लगा के धर्म, तो धर्म से हर चीज को कारोबार बना लिया, धर्म को कारोबार बना लिया जाए तो फिर इसी तरह होते हैं, लोग बटन दबाते हैं और आपके लोग मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको, आप बहुत तेज लोग हैं, वो तो बेचारे फलस्तीनी है, आप बहुत तेज लोग हैं आज के, अब आप क्या कर रहे हैं? कल आपके खबर छपी है आपके अखबारों में भी और आज अमेरिका के भी कुछ न्यूज के अंदर है कि ग्वादर में आप नेवल बेस दे रहे हैं चाइना को। आपकी फॉरेन ऑफिस ने खूबसूरती से उसको कहा, नहीं जी ये गलत बात, लेकिन क्योंकि हम बिडिंग में है इस वक्त, अमेरिका भी बिड कर रहा है और उधर से चाइना वाले भी, और आप कहते हैं हमें डॉलर दिखाओ दुबई में, ठीक है पैसा चाहिए, लेकिन पैसा वो पाकिस्तान में नहीं जाएगा। पाकिस्तानियों ये कान खोल के सुन लो,
चाहे नेवल बेस बने, चाहे सारे पाकिस्तान के अंदर। हाँ, मैं उस पर एक और बात भी बताना चाहूंगा जो उसकी बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग बात है। साथ दूसरी कुछ शर्तें आई हैं चाइना की तरफ से। उन्होंने कहा कि चाइना का सीपैक का हम अगर दोबारा शुरू करेंगे प्रोजेक्ट तो हम अपनी आर्मी वहां खुद लेकर जाएंगे, आप हमें वहां पे प्रोटेक्शन देने के देने में आप कामयाब नहीं रहे। जब चाइना ने आर्मी की वहां बात की तो मेरे नजर में फौरन मैं अपने आप को मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इसी तरह एक मुगल शहजादे ने जिसका नाम शाह आलम सेकंड था, 1803 में उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी आर्मी रखने की इजाजत दी और फिर ये हनीमून चला था 1858 तक। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया, जिसमें ये फैक्ट है कि मुगलों ने जो कुछ किया इस लैंड के साथ उसमें बदला चाहिए था। बदला तो खैर लिया जा चुका है, आप देख लें इस वक्त जो जहां से वो आए थे वहां के हालात क्या है। काबुल में ना सीधी सड़क है ना सीधा को पुल है, और 60-60 साल के बाबे हैं, वो 15-15 साल की लड़कियों से शादियां बनाते फिर रहे हैं। वो कहते तो हैं हमने जी दुनिया की फर्स्ट वर्ल्ड को, उसको रशिया को भगा दिया, अमेरिका को भगा दिया, लेकिन ये भी तो देखो ना, आप खुद गदों पे ही हो अभी तक, आप खुद कहा, ये भी तो सोचने वाली बात है। चले लेकिन उससे आगे चलते हैं। चाइना ने आपसे अपनी शर्तें रख दी हैं। ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर में नेवल आर्मी बेस की बातें चल रही हैं। दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा अगर ग्वादर में नेवल बेस बनी। उसमें एक सबसे बड़ा मसला उस रीजन में ट्रेड, वहां पे बंदरबास, वहां पे जो दुबई वालों को इशू होगा, ईरान को इशू होगा, भारत को इशू होगा जब चाइना वहां पे अपने शिप्स लेकर घूमेगा। सुमित जी, एक बहुत ही खतरनाक खबर है, और खबर ये है कि पाकिस्तान के ग्वादर में जो आपके ससुराल वाले यानी कि चाइना अपना सैन्य अड्डा बनाने वाला है, और इसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीक हो गए हैं। क्या प्लानिंग है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है इससे रिलेटेड, मैं आपसे जानना चाहूंगा। अहमद जी, ये जो खबर है बहुत ही छोटी खबर है, इसके पीछे प्लान बहुत बड़ा है। मेजर मुद्दा ये है कि पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस, वो चाइना के हाथ में बेच दिया है। जो ये आपके पास भारत में जो न्यूज आ रही है कि एक सैन्य अड्डा वहां पे बनाया जा रहा है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ये तो शुरू से जब ग्वादर बनाया जा रहा था तभी से ये प्लान था कि ये एक सैन्य अड्डा बनेगा, चाइना की शिप्स यहाँ पे रुकेंगी और पाकिस्तान का यूज किया जाएगा क्योंकि उसकी दुश्मनी हमारे साथ लगातार है। डी प्लान ये है कि एक जॉइंट सिक्योरिटी कंपनी चाइना की तरफ से ये बोलकर कि पाकिस्तान में हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके ऊपर डेडली मिलिटेंट अटैक्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने एक प्राइवेट आर्मी बोली थी कि वो पाकिस्तान में आएगी और अपने लोगों को प्रोटेक्शन देगी। प्राइवेट आर्मी, आपने कभी प्राइवेट आर्मी का नाम सुना है? आर्मी तो गवर्नमेंट की होती है, प्राइवेट आर्मी कहां से आ गई, वो भी चाइना में? चाइना में तो कुछ भी प्राइवेट नहीं है। मुद्दा ये है कि भारत को कवर करना है ना। भारत क्या कर सकता है? ये मोदी जी की गवर्नमेंट है, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है कि अगर चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई काम करेगा और हमारे अज्ञात वीर चुप करके बैठे रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो अननोन गनमैन है उन्हें मालूम है कि कहां पर कैसे कौन सा काम करना है ताकि दूसरे वाले का जो पूरी प्लानिंग है वो धाराशाह की धाराशाह रह जाए। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रस्ट योर लीडरशिप, दिस इज मोदीज गवर्नमेंट एंड ही नोज हाउ टू आंसर देयर एडवर्सरीज।